Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। हम लोग चाहते हैं कि नीट 2024 वापस हो। जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनके साथ गलत हुआ है और हमारा फ्यूचर हमारा करियर कोई मजाक नहीं है। हम लोग चाहते हैं रीनीट हो और उन स्टूडेंट्स को ही वापस मौका मिले, एक बार वापस नीट देने का मौका मिले और वो लोग वापस अच्छा स्कोर करें। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग और आगे तक जाना चाहेंगे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक ये बात आगे गई है और हम लोग हमारे लेवल पे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ध्रुविका राठौर। क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर आप हैं? मेरा नाम है सूफियान। जैसे इस बार है ना नीट के अंदर 67 या 69 बच्चे 720 आए, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि है ना नेशनल लेवल पे ये टेस्ट होता है जिस हिसाब से, और एक सेंटर से 8 बच्चे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस पेपर के अंदर। और अगर NTA को पेपर बनाना ही था कि ऑल इंडिया लेवल का हो तो उसमें एक या दो टॉपर निकलने चाहिए, 67 टॉपर कैसे निकल सकते हैं? इसलिए ये या तो पेपर लीक हुआ है या तो पेपर आसान बना है। किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि रीनीट हो या फिर कोई रीनीट होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है सूफियान। मेरा नाम सोनाक्षी राठौर है और हम नीट के पेपर के लिए रीनीट के लिए डिमांड करने आए हैं। किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? रीनीट की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि इस बार बहुत सारे पेपर्स लीक हुए थे, बहुत सारे सेंटर्स पे पेपर लीक हुए थे और ग्रेस मार्क्स भी बहुत ज़्यादा दिए गए थे, तो रीनीट की डिमांड है। ऐसे में स्टूडेंट पर किस तरह का असर पड़ रहा है? जिन बच्चों ने मेहनत करी है वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं करा, मतलब जिनको बहुत कम स्कोर मिल रहा था उनके ग्रेस मार्क्स से वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और 67-720 मार्क्स ला रहे हैं 67 स्टूडेंट्स, वो तो इम्पॉसिबल है। मेरा नाम नैवेद्य शर्मा है। मैं रीनीट की हमारे को बताया गया है तो मतलब NTA के द्वारा जो भी मार्किंग हुई है मार्किंग मतलब सही नहीं हुई है इस तरीके से, और जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ये भी एक तरीके से वो नहीं है, मतलब वाजिब नहीं है। हम जैसे अब NTA ने बताया कि जैसे रीनीट हम कराएंगे, कुछ 1500 बच्चों का कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन उनका वो रीनीट कराएंगे, लेकिन हमको कराना है कि जिन जो बच्चे एलिजिबल थे और वो थे उनके लिए मतलब नीट हो नहीं पाया उनका, मतलब ढंग से, मतलब इस तरीके से। क्या नाम बताया? नैवेद्य शर्मा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नीट के विद्यार्थी जिन्होंने कड़ी मेहनत से ग्रामीण परिवेश से आकर यहाँ पर कड़ी मेहनत से पैसे देकर और मेहनत की, उन बच्चों के साथ में आज विद्यार्थी परिषद मिलकर प्रधानमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने जा रही है, क्योंकि नीट परीक्षा के अंदर जो घोटाला हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का जो धांधली जो सामने आई है, उस विषय को लेकर आज विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रहा है। आज विद्यार्थी जो है वो आंदोलनरत इसलिए है क्योंकि NTA की संस्था ने जिस प्रकार से
अपना दुरुपयोग किया है और उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद पूरे भारत वर्ष के अंदर प्रदर्शन कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अगर नीट की परीक्षा वापस नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद का एक स्टैंड होगा राजभवन का घेराव। उदय सिंह शेखावत, महानगर मंत्री, एबीवीपी। Get up!